मारेंगे नहीं, मार, चला गोली, चला गोली, शूट, शूट, गिनी, आई सेड शूट, 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 गिनी, आई सेड शूट, 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 शूट. क्यों हुआ? हाय रब्बा है कि नई गन की बूनी भी हुई तो एक चुके हुए निशाने के साथ. बहुत खूब पुत्र, बहुत खूब. की कर रहे हो तुसी? असली गन दे नाल कोई निशानेबाजी करता है कि? जब असली गन हाथ में पकड़ेगी ना तो निशाना अपने आप अच्छा हो जाएगा. वो कुछ नहीं समझती. ऐसे नहीं होगा पापा जी, मुझसे किसी को लग जाएगी. आप क्यों नहीं समझते पापा जी? और तो ऐसा ही होगा पुत्र, ऐसा ही होगा. हाय रब्बा. या तो तेरा निशाना सही लगेगा पुत्र, या मुझे लगेगी. बस करो जी, बस करो. अरे वो एक टूर्नामेंट ही तो हारी है. टूर्नामेंट नहीं था, वो स्टेट लेवल सिलेक्शन था. चार साल की प्लानिंग, सब बाहर में जाओ. तुम बाहर में जाए तुम्हारे घर वाले. अरे गोलियां चलती है यहाँ पे, गोलियां. डाइवोर्स चाहिए मुझे. डाइवोर्स चाहिए तेनू? तू पागल हो गया प्रीतो? मैं कह रहा चुपचाप अंदर जा. अपनी मर्जी ना छुटकारा दे दो, नहीं तो अगर मैटर कोर्ट विच गया तलाक तो होगा, पैसे भी देने पड़ेंगे. कौन देगा पैसे? ये पति तो कमाता नहीं है तेरा. गांव वस्या नहीं ते लुटेरे पहले ही आ गए. लुटेरे? जिंदगी बर्बाद करके रखती मेरी. शादी में जो लिया था वही तो मांग रही हूं मैं. तो ले जा अपने इस पति के करोड़ों की कमाई में से, ले जा अपना हिस्सा. कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा अब तो. आपको क्या गिन्नी ते गन दे लावा को जिए या मरे? पहले ये गन तेरे हाथों में थमाई थी मैंने. खच्चर को कितना भी चना खिला दो वो कभी घोड़ा नहीं हो सकता. अब तो सिर्फ गिन्नी ही मेरी पुत्र है. निशानेबाजी दे लावा कुछ और दिखता है आपको? रब या तो अक्ल दे या फिर मौत. तलाक दे दो मैं, फिर मर मरा लेना दोनों. डाइवोर्स और पैसे दोनों का इंतजाम हो जाए तो दस देना. जब तक कुछ फाइनल नहीं होता मैं गेस्ट रूम जा रही हूं. पड़ गई आपके कलेजे में ठंड, मिल गया चैन आग में घी डालकर. अगर रात मेरे बाप ना होते ना तो क्या कर लेता तू? सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है तो काटने की औकात नहीं है तेरी. भौंकने वाला कुत्ता क्या कर सकता है पता चल जाएगा.
मम्मी जी इस पे साइन करो। वैकी ने ऐसा पैसन थे छड़े से। अच्छा देख, वो मोगा वाले चड्डा जी है ना, उनकी बेटी है। एक साल पहले डिवोर्स हुआ है बेचारी। अच्छा घर है, गारंटी मैं लेती हूँ। मम्मी जी प्लीज, आप तो रहने ही दो, भर जाएगी। गारंटी भी आपने ही ली थी, क्या हुआ? हाँ, इससे ज्यादा तो चाइनीज लालटेन चल जाती है, पर भर जाए। चुप कर। अरे वाह, मैनू तो पसंद है। मम्मी जी आपको कैसी लगी शांतनु? मम्मी जी प्लीज साइन करो। अरे प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो, अपना अपना हिस्सा लेते हैं। फिर तू कौन ते मैं कौन? पागल हो गया? मम्मी जी और कोई चारा नहीं है, तुझे साइन करो। छोड़ कर शांतनु, तुझे साइन करो। बस करो तुम दोनों, जब तक मैं इत्थे हूं कुछ नहीं होने वाला। ऐसा इस घर विच मैंने कुछ नहीं मिला, ना इज्जत और ना प्यार। इज्जत कमाई जाती है वीर जी, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं मिलता, समझे ना? तू अपनी इज्जत रख, मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके जा रहा हूं। प्लीज बस करो। स्ट्रीट स्टडी फायर चल। शिट, चल पुत्र, शाबाश शाबाश, गिरे ना निशाना, शाबाश बेटा शाबाश, चल। चल पुत्र, कोई नहीं, फिर से लगा, शाबाश चल। शाबाश पुत्र, चल लगा बेटा निशाना। ये क्या किया गिन्नी तूने? सब खत्म कर दिया, आप बर्बाद कर दिया। ये ले, चल चल चल, गुड, कान पकड़, कान पकड़, एक मिनट, इस पे गाना निशाना। पापा जी, मुझ पे भरोसा रख, चल आजा, आजा। पापा जी, चल पुत्र, उठा बंदूक, लगा निशाना। पापा जी नहीं होगा। होगा बेटा तुझसे, बिल्कुल होगा, मुझ पे विश्वास रख। लगा निशाना, शाबाश, चल मेरा बहादुर पुत्र, लगा निशाना, हाथ सीधा, शूट, कम ऑन, शूट, शूट, आई सेड शूट, शूट। पापा जी नहीं होगा मुझसे। कैसे नहीं होगा तुझसे? नो नो नो, दो मिनट पापा जी। जल्दी कर, जल्दी कर, टाइम नहीं मेरे पास। मुझसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। दो मिनट। पापा, गिले, क्यों आया? बहुत चल रहा है।
तू कर सकती है, कर लेगी। एक मिनट मेरी बात सुन, ये इसे इसे पकड़ने की कोशिश कर, पकड़। पापा जी बहुत दुख रहा है। बेटे कोशिश कर, पकड़ 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 इसे, शाबाश पकड़, कोशिश कर कोशिश कर, होगा होगा, कर ट्राई ट्राई। नहीं हो रहा है पापा जी। यह कारता पूरा कुरुक्षेत्र बन चुका है। होगा बेटा, जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, तू कर लेगी, मुझे पूरा विश्वास है, हिम्मत रख। बुलाया। जी क्या किया तूने? सटिहा गया हो गया, क्यों करूंगा मैं सब? ये तेरी गड्डी से मिले हैं। पापा जी वीर जी ने कुछ नहीं किया है। हाँ, थे मेरी गड्डी में तो आज चला दिया तूने इसके। क्यों किया ऐसा? ताकि ये जिंदगी पर निशाना ना लगा सके। अब हमेशा इस घर में बैठी रहेगी निटल्ली तेरी तरह। सब खत्म कर दिया तूने, इसकी वजह से आपने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैंने किया होता ना तो बोल देता। जी अगर बचपन में ही कोई जला देता इसका हाथ तो शुरू ना होता है ड्रामा। पापा जी की कर रहे हो तुसी? निकल जा इस घर से शांत में, आगे जो होगा ना तो कर दो ना बंटवारा। आप चुप रहिए परचाई, पहले का कम ड्रामा हो रहा है यहाँ पर, जो आप और आग लगाने आ गई हैं। आग तो पहले की लगी है, मैं तो बस बचने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ से, और ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। बस करो, अब आगे कोई नहीं बोलेगा। मम्मी जी पेपर पे साइन कर दो, नहीं रहना मुझे इस घर में। कोई बंटवारा नहीं होगा इस घर का मम्मी जी, और अगर बंटवारा हुआ भी ना तो इस घर पर किसी का कोई हक नहीं है। अच्छा तू छीनेगी मुझसे सब कुछ जैसे बचपन से छीनती आ रही है? जा, नहीं है तू मेरा बेटा। शांतनु कैसा है? खिड़की से चली थी गोली,
गन केस से गन गायब है और गोलियां भी। तुझे तो पता ही होगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर में। बाहर से ही आया होगा कोई, खिड़की से भाग गया होगा। बाहर वाला तो एक को ही है मम्मी जी। लड़ाई तो उससे चली रही है। लड़ाई कोई नई बात नहीं है इस घर। क्यों पापा? प्रीतो, वो बाहर दरवाजे की तरफ से कहां से आ रही थी? मैं तो किचन में उसे गुस्से में आपने ज्यादा पिए क्या पापा जी? तेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, कहां है वो? तेरा हाथ में नहीं चल रहा था ना वो? पापा जी वो पट्टी रात को खुल गई थी। बस बस करो सब, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अब क्या एक खूनी को घर लेके जाएंगे मम्मी जी? खून नहीं हुआ है किसी का भी, जिंदा है मेरा पुत्र। बस एक बार उसमें होश आ जाए ये सब साफ हो जाएगा। और तब तक हम साथ में एक काम करते हैं कि किचन में काम करते वक्त तेरे हाथ में चोट लगी थी, आपने शराब बिल्कुल नहीं पी थी। और डिवोर्स की कोई बात नहीं होगी। और बंटवारे की कोई लड़ाई नहीं हुई थी घर विच। पुलिस तो आएगी घर में पूछताछ करने के लिए, पर हम सब लोग यही बोलेंगे कि जी वो रात लेट हो गया सी, करीब 12:30 थे, एक बजा सी। मैं तो पहले ही सो गया था नींद की दवाई लेकर। जी वो मेरे हाथ में बहुत चोट लगी सी, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बहुत दुख रहा था। तो मम्मी जी बस मुझे खाना खिलाने आई थी। मैं गिन्नी को रोटी खिला के बाहर निकली सी, ता मैंने देखा कि मैं किचन में पानी पीने के लिए गई थी और शांतनु कमरे में थे, कुछ काम कर रहे थे। मैं वापस आई तो मैंने मम्मी को देखा और उसी वक्त गोली चलन की आवाज आई। मैं बस उठ के कमरे से भागी। तो मैं कमरे से पहुंचा जी तो खून ही खून था, खिड़की खुली हुई थी, बाहर बहुत अंधेरा था, उस साफ साफ दिखाई नहीं दिए। और बस हम इन्हें लेके हॉस्पिटल निकल गए। और इस तो अलावा मैंने कुछ नहीं पता। ठीक है, शांतनु के होश में आने पर हम उसका भी स्टेटमेंट लेंगे। चलो। भाई बहन में ऐसी कटुता घातक है, कलह और क्लेश का अड्डा बन गया था ये घर। भाई बहन को कोसता रहता और बाप बेटी के कंधों पर अपना सपना लाद कर उसे प्रताड़ित कर रहा था। अगर हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं तो हमारे बच्चों की भी तो हमसे कुछ उम्मीदें हैं। उनकी उम्मीदों को मार कर आप उनका भविष्य कैसे गढ़ सकते हैं? अपने सपने, अपनी उम्मीद, अपने अपने स्वार्थ में फंसे इस घर के सदस्य आज एक संगीन वारदात के गवाह हैं। रोज रोज की खटपट खून खराबे तक आ पहुंचेगी, ये शायद इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। पर अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस से सच्चाई क्यों छिपाई जा रही है? शांतनु की मौत से किसे फायदा पहुंचने वाला है? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आप लोगों के वकील साहब तो कह रहे थे घर में तलाक की बात चल रही थी, तो गलतफहमी रही होगी उनको। प्लीज दोजी, आपको तलाक चाहिए था और शांतनु को नहीं, कहीं इसी वजह से तो नहीं आपने? घर में तो लड़ाइयां चलती ही रहती थी। उसी दिन पापा और शांतनु का झगड़ा हुआ था और गिन्नी का किसी हाथ जला दिया था। घर में तो ऐसी बातें? देखो जी, तलाक की बात साढ़े घर की थी, इस वास्ते आपको नहीं बताई। अगर आपको सबका बयान ले लें तो बेशक शोक सभा के बाद ले लीजिएगा, लेकिन किसी पर इल्जाम लगाने से पहले कोई ठोस सबूत लेकर आइए आप।
की है, गिन्नी कितने लेके जा रही है मैनू। नहीं जी, चुप हो जाओ तुसी। ये देखो ऐ की है, भरजाई जी प्रेग्नेंट है मम्मी जी। उस रात जब मैं कमरे में थी, वो जो घर के पीछे गार्डन नहीं है, मैंने भरजाई जी को वहां जाते हुए देखा था। पता नहीं कुछ फेंक रही थी वहां पर। भरजाई तू वेख्या सी, तू मैनू दस्या क्यों नहीं? मम्मी जी मैनू की पता सी ये सब कुछ हो जाएगा। चल बाहर चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, चलो। हाँ वो है, देखो है कि रितो तू मैनू पहले क्यों नहीं दस्या? मम्मी जी वो मैनू लग गया कि वो गोली पापा पापा जी ने चलाई है। पापा जी मम्मी जी मैनू लगता है कि भरजाई जी ने ही वीर जी का खून किया है। अब ना छुपाने का कोई फायदा नहीं है, हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए। रुक जा, हम पहले सब चले जाए, प्रीतो से बात कर ले, सारी बात पता चल जाए, तब जाएंगे पुलिस के पास। अब चलो बाहर, चलो चलो चलो। कहाँ थी तुम? मैं तो उस रात किचन में। झूठ! एकी मेरा पोता, इस वास्ते तू मेरे बेटे नु मार दी, इस सच नु छुपाने वास्ते कि तेरे डिवोर्स विच कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं, मुझे तो खुद उस रात मालूम चला था। बोलो भरजाई जी, सबको सच बता दिया है मैंने, देख लिया था मैंने आपको। तो चुप रहा है। अजीब वो गिन्नी, तेरा हाथ कैसे चला? वो पापा जी आपने तो झूठ नहीं। है कि ये केमिकल, ये बोतल क्या कर रही थी तेरे कमरे च? तूने अपना हाथ खुद जला लिया क्यों? हाँ, ताकि किसी को शक ना होवे गोली तूने चलाई होगी, है ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही खुद से अपना हाथ चलाया, मैंने ही अपना हाथ चलाया पापा जी। मिनट
रोज रोज प्रैक्टिस, इसी प्रैक्टिस से तंग आके मैंने अपना हाथ जला दिया। नहीं करनी थी मुझे निशानेबाजी, पर मुझे आपका सपना भी नहीं तोड़ना था, आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी मैं पापा जी, और इसीलिए मैंने अपना हाथ जला लिया। पर मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, पर कोई ये नहीं। शांति अब नहीं, पर ये बच्चा ही इस घर का चिराग है, और ये अब हमारा है। नहीं, मेरा बच्चा इस घर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। दोनों में से कोई तो है जो पूरा सच नहीं बोल रहा है। तुम सबकी लड़ाई में मेरे बेटे को खा लिया, तुम सब सबके झूठ में फंस के मर गया मेरा बेटा। जा रही हूं मैं। नहीं पर जाई जी, तुसी कहां जा रहे हो? कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहां जाकर उन्हें सब कुछ बता देंगे, फिर वो लोग तय करेंगे कि सच क्या है या झूठ क्या है। यानी अपनी मां को लेकर आ जा, ठीक है? परम, परम, गिनी गिनी प्रीतो, जल्दी आ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, सर परचाई जी ने ही किया है ये सब कुछ। मम्मी जी उनकी प्रेगनेंसी की बात को लेकर बहुत नाराज थी उनसे। हाँ, छुपाई मैंने प्रेगनेंसी की बात सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। मैं इस घर से दूर जाना चाहती थी, इन लोगों से दूर जाना चाहती थी, ये आज भी जाना चाहती हूँ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है इस घर में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो खुद आपके पास आकर सच बताना चाहता था, क्या करूं मैं? मैंने झूठ नहीं बोला है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और ये गिन्नी के इत्तेज़ाब वाले ड्रामे का उसका क्या मतलब हो सकता है, बोलिए। प्रैक्टिस तो रोज होती थी सर, पर जब से मैं स्टेट लेवल चैंपियनशिप हारी थी पापा जी बहुत नाराज थे मुझसे, और बस इसी प्रैक्टिस से बचने के लिए मैंने अपना हाथ, और कोई वजह नहीं थी सर। बस अब आप ही पता लगाइए किसने किया है। बस जब तक हमारी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते।
क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए तुझे? क्या कर रहे हो? राजा, हेलो। पापा जी। ये नहीं। आजा आजा आजा। पापा जी। क्या कर रहे हो? पापा जी। चुप। एकदम सही टाइम पे आ रही है तू। देखो, मरना तुम दोनों को है। बस मुझे इतना बता दो कि पहले किसको मारूं? सुन, हाथ नहीं जोड़ते, रोते नहीं है, सुन। अच्छा एक मिनट, मेरा प्लान तो सुन लो। क्या है, तू इस कमरे में आती है ना, और तू भाभी को मारने से पहले मुझे मार देती, और फिर मैं अपना बचाव करने के लिए तुझे खत्म कर देता हूँ। पापा जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मेरी नाक कटवा के तुम लोग पूछते हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? तुम लोग बताओ, तुमने क्यों किया गिन्नी मेरे साथ ऐसा? मेरी बेटी, बेटी ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों हारी तू? सबने सब कुछ खत्म कर दिया। किधर है मेरा परिवार? कहां है मेरा परिवार? कहीं कोई दिखता नहीं, तुम लोग भी नहीं बचोगे। और वो तेरा निकम्मा भाई, हाँ? पता है क्या कहता था? पापा जी मुझे गोली चलानी नहीं जाती, मुझसे गोले मत चलवाओ। खुद को संभाला ना, इस घर को संभाला। और वो मेरी सास, इसकी मां, बेवकूफ, एक नंबर की बेवकूफ, सारी जिंदगी मेरे काम में टांग रहती। कुछ भी करो, ये मत करिए, वो मत करिए, ये मत करिए, अरे शादी से लेके आज तक उसने कुछ नहीं किया, नथिंग यूज़लेस। और ये भी कम नहीं है, तू इसे भाभी बुलाती है ना, भाभी है तेरी, तलाक चाहिए इसको, पैसे भी चाहिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं चाहिए। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, मरना ही पड़ेगा। चलो, मैं चली जाऊंगी, तो मैं अपने बच्चे को अपने पास रखूंगी, मुझे मारने की जरूरत नहीं है। ले जाओ बाबा जी, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है प्रीतू, पूरी जरूरत है। तुम जैसे निकम्मे लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। सबने मेरी नाक कटवा दी, सब लोगों ने मिलकर, शांतनु, इसकी मां, और ये किन्नी, तू तो मेरी अपनी बेटी थी। मैंने क्या नहीं दिया तुझे? सब कुछ दिया बेटा, अपने अपने लड़के जैसा समझा। तूने जो मांगा बचपन से, मैंने तुझे सब कुछ दिया, सब कुछ। मैंने इससे क्या मांगा? एक मेडल, वो भी तू नहीं दे पाई। स्टेट लेवल में भी तू पहुंच नहीं पाई। तीन निशाने, तीनों चूके, तीनों के तीनों, तीनों की सजा मिलेगी, ताकि तू कुछ सीख सके। क्या है प्रीतू, मैंने भी ऐसे ही सीखा था। पापा जी, शाबाश, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। बाप से इतना तो सीखा इसने, कहां से लाई है? मैं क्या जरा दिखा? पापा जी, गलती हो गई, मैं अब अपना प्लान शुरू करता हूं। चोट ना लग जाए पापा जी, पर मुझे नहीं पता था कि ये गन एक दिन मुझे अपने पापा जी पर ही ताननी पड़ेगी। पापा जी पर ताननी पड़ेगी तो क्या हो गया? तान लो गन, पापा जी पर ताननी पड़ेगी। पापा जी, एक बात बता, तू निशाना लगा पाएगी? तेरा निशाना इतना अच्छा है, तुझे निशाना लगाना आता कहां है कि नहीं? पिछले तीन निशानों की तरह इस बार भी तेरा निशाना चुकेगा कि नहीं? मरने से पहले फिर अपने बाप को दुख पहुंचाएगी, पता है मुझे। पापा जी, परजाई जी को जाने दो। पापा जी, सब के सब कागजी शेर हैं, तुम सब निकम्मे निटल्ले, मेरे किसी काम के नहीं। अगर गोली चलानी आती ना
और अगर तू सीख लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता बेटा। नहीं। बाप पर गोली चलाएगी, चला पाएगी? हाथ तो नहीं कांपेंगे तेरे? चला 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 जाएगी। चला जाओ, चला गोली। तुम नहीं कहीं नहीं जाओगी, तुम नहीं रुकोगी, रुकोगी कि नहीं? फोकस, शूट शूट आई सेड शूट, कम ऑन शूट शूट आई सेड शूट। मर जाएगी। कौन माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करें, लेकिन एक सरफिरे बाप ने सिर्फ अपने सपने को जीवित रखने की सनक में सब कुछ तबाह कर दिया। पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या की, उसके बाद बेटी और बहू भी निशाने पर थी। वो तो शुक्र है कि गिन्नी ने वक्त रहते सही निशाना लगा दिया। इस हैवान को पिता के दायरे से बाहर फेंक कर गिन्नी ने बेहद समझदारी और साहस का परिचय दिया है। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आपने क्या सपने देखे हैं, उससे ज्यादा अहम यह है कि आपके बच्चों के सपने क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए और फिर उनके सपनों को अपनाकर उन्हें पूरा करने की तैयारी में जुट जाइए। ध्यान रहे, बच्चों से जुड़ी आकांक्षाएं उम्मीदें उनके लिए दबाव नहीं बननी चाहिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं डट कर। तो सावधान।